अपना पेलोड को जेटसन किया। जब्बा के मकाम पर 4 बॉम्ब थे, वो गिरे। बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। आए 21 मिनट रह के दिखाएं पाकिस्तान की एयर स्पेस। अवाम तैयार है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की आज रिस्पॉन्स देखा है, सब एक हैं। नाउ इट इज टाइम फॉर इंडिया टू वेट फॉर आर रिस्पॉन्स। द रिस्पॉन्स विल कम एट द पॉइंट एंड टाइम ऑफ आवर चूजिंग, वेयर आवर सिविल मिलिट्री लीडरशिप डिसाइड्स एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हैज डिसाइडेड। इट इज योर टर्न नाउ टू वेट एंड गेट रेडी फॉर आर सरप्राइज। Ladies and gentlemen, at 600 hours tomorrow, a joint operation will be conducted by Pakistan Air Force and Pakistan Army. A package comprising of F-16s, Mirages and JF-17 will strike the high-value target and foreign terrorist. A team of Pakistan Army's Special Services Group will be paradropped to laser the target. Area eyes and Falcos will be our eyes in the skies. Everyone must ensure that there should be no collateral damage. Keeping the traditions of zero failure, we'll achieve the objective, inshallah. Godspeed and good luck. इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के हदूद में दाखिल हुए। पाकिस्तान एयरफोर्स तैयार थी, उन्होंने उसको टेक ऑन किया। आपस में एंगेजमेंट हुई, जिसके नतीजे में दोनों भारतीय जहाज जो थे वो शूट डाउन हुए। उनमें से एक का रैकेज हमारी साइड पे गिरा, जबकि दूसरे का रैकेज उनकी साइड पे गिरा। 2 पायलट जमीन पे जो हमारी फोर्सेज मौजूद थी, उन्होंने उनको अपनी अरेस्ट में लिया। एक उनमें से जख्मी थे, उनको हमने CMS मुंतकिल कर दिया है, इंशाल्लाह का पूरा ख्याल रखा जाएगा। जबकि दूसरे जो हैं वो हमारे पास हैं। मेरा नाम विंग कमांडर अभिनंदन है। मैं भारतीय वायुसेना में एक लड़ाकू विमान चालक हूँ। मैं टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था, आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया। उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। इजेक्ट करते ही उसके बाद जब मेरा पैराशूट खुला और जब मैं नीचे गिरा, मेरे पास पिस्तौल थी और लोग बहुत ज़्यादा थे और मेरे पास बचाव के का सिर्फ एक ही साधन था। मैंने अपनी पिस्तौल गिरा दी तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे, उनका जोश काफ़ी ऊंचा था। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी के एक कप्तान थे, वो आए, उन्होंने मुझे ये इन लोगों से बचाया। मुझे और कुछ होने नहीं दिया। फिर वो मुझे अपने यूनिट तक लेके गए, जहाँ पे मुझे फर्स्ट एड दिया गया एंड फिर उसके बाद मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर मेरी जाँच हुई और मुझे और एड दिया गया। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। आई सी पीस इन इट। आई हैव स्पेंट टाइम विद द पाकिस्तानी आर्मी। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। इंडियन मीडिया बात हमेशा बड़ा चढ़ा के कहती है, जो छोटी सी चीज़ होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के, इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो, उसमें लोग बहकावे में आ जाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है। दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड सी हाउ द एनवायरमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ थ्रेट टू पीस एंड डेवलपमेंट, नॉट ओनली बिटवीन द 2 कंट्रीज बट इन द रीजन एंड बियॉन्ड।